दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे तो आज हम फिर से आप लोगों का स्वागत करते हैं आज के करंट अफेयर यानी कि सेवन्थ जुलाई 2023 के करंट अफेयर में मुख्य रूप से देखा जाए तो ये 6 जुलाई की घटना है और इसका हम एम लेकर आ जाए हैं यानी कि सात जुलाई को लेकर आए हैं और चूंकि खबरें एक दिन बाद ही आती हैं अखबारों में तो इसीलिए एक दिन बाद का ही जो करंट अफेयर होता है वो होता है जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट 2023 जो तैयार होने वाला है लगभग बावन हज़ार प्लस सिपाहियों की भर्ती इसमें आने वाली हैं और सुनने में कि लगभग छब्बीस के आसपास यू पी के और कुछ हज़ार तक जेल बॉर्डर के भी इसमें भर्ती निकलने वाले हैं तो आजकल जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो करंट अफेयर का जो एक स्पेस बन रहा है हमारे एग्जामों में उसे देखते हुए हमें डेली करंट अफेयर्स को देखना होगा ताकि कोई भी सवाल हमसे छोड़ना न पाए और इस बार हम हमारा जो भी सिलेक्शन है वह संभव हो सके तो इसी के संदर्भ में आज हम मुख्य रूप से 10 प्रश्न हल करेंगे क्योंकि बहुत बड़ी खबर इसमें आज के अखबार में नहीं दिया हुआ था तो चलिए आइए शुरू करते हैं कि आज आज के करंट अफेयर से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं आइए उसे देखते हैं हम पहला प्रश्न है कि किस अफ्रीकी देश में भारत ने आईआईटी मद्रास का पहला कैंपस खोलने का करार किया है बताए आपका जवाब क्या होगा दोस्तों अंगोला कैमरून और वोत्वाना या फिर जंजीबार जी हाँ दोस्तों यदि आप चुनते हैं जंजीबार यानी कि डी ऑप्शन तो आप बिल्कुल सही हैं जी हाँ दोस्तों आप लोग को पता होगा या फिर नहीं पता तो मैं बता दूं कि जो हमारे देश के विदेश मंत्री जी जो हैं उनका नाम मैं बाद में बताऊंगा क्योंकि एक प्रश्न ये में यह शामिल है तो हमारे जो देश के विदेश मंत्री हैं वह है। इस समय अफ्रीकी देश अफ्रीकी देशों के वह, वहाँ पे गए हुए हैं और वहाँ पे जो जंजीबार नामक एक देश है वहाँ पे उन्होंने ये करार किया है कि जो आईआईटी मद्रास है उसका एक कैंपस वहाँ खुलने वाला है यदि आप जंजीबार के बारे में देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर अफ्रीका का एक नक्शा दिया हुआ है और इस क्षेत्र में यहाँ पर ये तीर बना हुआ है उसी क्षेत्र में का ये जो क्षेत्र है यही जंजीबार नाम नामक एक मुख्य रूप से देखा जाए तो ये आप देख सकते हैं कि ये चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है इसलिए एक आइलैंड है और यह तंजानिया के पास में पड़ता है तो यहाँ पे मद्रास का एक कैंपस खुलने वाला है मद्रास आईआईटी मद्रास का एक कैंपस खुलने वाला है अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अगला प्रश्न ये है कि भारत के वर्तमान विदेश मंत्री का क्या नाम है आपके क्वेश्चन में सुषमा स्वराज राजनाथ सिंह अमित शाह या फिर एस जयशंकर प्रसाद बताइए आपका जवाब क्या होगा मुझे लगता है कि यह सवाल बहुत लोग जानते होंगे इसका जवाब इसका जो जवाब है वह डी है, है यानी कि एस जयशंकर प्रसाद जी हाँ दोस्तों एस जयशंकर प्रसाद जी जो हैं वो हमारे देश के जो हैं वो विदेश मंत्री हैं उनका फोटो आप देख सकते हैं और पहले यह आई अधिकारी के रूप में भी कार्य कर चुके हैं आगे बढ़ते हैं आगे का एक प्रश्न है कि जंजीबार किस अफ्रीकी देश का एक अर्ध स्वामित्व वाला देश है आपके ऑप्शन है युगांडा तंजानिया या फिर अंगोला या फिर कैमरून तो बताए आपका जवाब क्या होगा जी हाँ दोस्तों यदि आप चुनते हैं बी जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था यहाँ पे जब आप इसे देखेंगे तो यहाँ पे तंजानिया आपको दिखाई देगा तंजानिया के बगल में ही एक द्वीप है वहाँ पे ही यह है। मौजूद है और ये जो जंजीबार है वह अफ्रीकी जो एक देश है तंजानिया वहाँ का अर्ध स्वामित्व वाला देश है यानी कि तंजानिया का जो प्रशासनिक अधिकार है वो जंजीबार पर लागू होता है आगे बढ़ते हैं आगे का एक प्रश्न है कि भारत में वर्तमान केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है आपके ऑप्शन है एस जयशंकर प्रसाद राजनाथ सिंह या फिर धर्मेंद्र प्रधान या फिर नरेंद्र मोदी तो बताए आपका जवाब क्या होगा जी हाँ दोस्तों इसका जो जवाब होगा वो सी होगा यानी कि धर्मेंद्र प्रधान जी धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पे इनका फोटो आप देख सकते हैं धर्मेंद्र प्रधान जो है उस समय भारत के शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अगला प्रश्न है जंजीबार के वर्तमान राष्ट्रपति का क्या नाम है डॉक्टर हुसैन अली मोबीनी या फिर मोहम्मद अली फैजान या फिर मार्क जुगरफर्क या फिर मोहम्मद सैफ बताए आपका जवाब क्या होगा जी हाँ यदि आप चुनते हैं डॉक्टर हुसैन अली मोबीनी तो आप बिल्कुल सही हैं जंजीबार का जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वह डॉक्टर हुसैन अली मवीनी हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अगला प्रश्न है आईआईटी का पूरा नाम क्या है जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारी संस्थाएं हैं भारत में आईआईटी मद्रास आईआईटी कानपुर आईआईटी आई जैसे बहुत सारे आप, आपको देखने को मिल जाएंगे तो उसमें आईआईटी का मतलब क्या होता है आपको इसका जवाब देना होगा इसमें ऑप्शन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो बताइए आपका जवाब क्या होगा दोस्तों जी दोस्तों यदि आप चुनते हैं सी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तो आप बिल्कुल सही हैं आईआईटी का पूरा नाम यही होता है अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अगला प्रश्न है आईआईटी मद्रास भारत के किस राज्य में स्थित है बताएं इसका जवाब क्या होगा तमिलनाडु केरल कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश तो जो जी जिया दोस्तों इसका जो जवाब होगा वो तमिलनाडु जी दोस्तों ये जो आई मद्रास है वह हमारे तमिलनाडु राज्य में स्थित है और आपने नाम सुना होगा चेन्नई असल में चेन्नई का पुराना नाम जो है वो मद्रास है अब चूँकि यह कॉलेज बहुत पहले बना हुआ था यह उस समय बना हुआ था जब चेन्नई का नाम मद्रास था तो इसलिए आज भी यह आईआईटी मद्रास के नाम से जाना जाता है लेकिन जिस शहर में यह मौजूद है उसका नाम अब बदल के चेन्नई हो चुका है अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अगला प्रश्न है आई मद्रास की स्थापना किस वर्ष हुई थी उन्नीस सौ या फिर उन्नीस या फिर उन्नीस बताइए इसका जवाब क्या होगा जी दोस्तों इसका जवाब होगा बी यानी कि उन्नीस सौ ईस्वी में आईआईटी मद्रास की स्थापना की गई थी अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अगला प्रश्न है कि आईआईटी मद्रास की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी ब्रिटेन पाकिस्तान जर्मनी या फिर अमेरिका तो बताए आपका जवाब क्या होगा दोस्तों जी दोस्तों यदि आप चुनते हैं सी यानी कि जर्मनी या तो आई मद्रास की स्थापना उन्नीस में जर्मनी के सहायता से किया गया था आज का अंतिम प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या दस की ओर और, और यह प्रश्न आप लोग के लिए होगा इसका जवाब मैं नहीं बताऊंगा जंजीबार की राजधानी कौन सी है जंजीबार सिटी या फिर काहिरा या फिर हून या फिर तंजानिया इसका जवाब क्या होगा थोड़ा तो सा रिसर्च की... कीजिए यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में अभी लिख सकते हैं यदि नहीं पता है तो इसके बारे में थोड़ा तो सा रिसर्च कीजिए और फिर यहाँ पर आइए रिसर्च करना जरूरी है क्योंकि केवल चीज़ों को देख सीख लेना तो इसमें ज़्यादा मजा नहीं आता है चीज़ें जल्दी भूल जाती हैं यदि आप स्वयं से प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा बहुत छानबीन करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा आप परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहतर तैयारी की ओर आगे बढ़ सकेंगे इसलिए मैं अंतिम प्रश्न जो होता है वो आप लोग के लिए छोड़ देता हूँ ताकि आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत कर सके तो दोस्तों यदि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेलाइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अपने अगले वीडियो में